वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश वर्कशीट। ये हमारी सेकंड वर्कशीट है जो क्लास वन के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए रिवाइज करते हैं एक बार इस वर्कशीट को। इंग्लिश ग्रामर जितने हमने पढ़ा है इस वर्कशीट में, उनमें कुछ टॉपिक्स हमने लिए हैं और वर्कशीट तैयार की है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, राइट प्लूरल फॉर ईच वर्ड बाय एडिंग एस और ईएस। तो एप्पल का प्लूरल क्या होगा? एप्पल्स। ब्रश का होगा, जहाँ पे एस लास्ट में एस एच हो वहाँ पे ई एस लिखते हैं, ब्रशेस। पोटैटो, तो लास्ट में कोई अगर वोवेल होता है और वोवेल से पहले कॉन्सोनेंट होता है, कोई भी वर्ड एंड होता है ओ से और उससे पहले वाला वर्ड जो लेटर होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, तो ई एस लगाते हैं। और वॉच जो सी एच है वहाँ पे अगर लास्ट में एस एच सी एच आता है तो वहाँ पे ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉचेस, ब्रशेस, पोटैटोज, वॉचेस, टोमेटोज, सैंडविचेस। पिग, पिक्स, फॉक्स, फॉक्सेस। देन बॉल, बॉल्स, एक्स। किसी भी अगर लास्ट में एक्स आता है और उससे पहले कोई वोवेल होता है तो ई एस लगाते हैं। देन हाउस, तो एस लग जाएगा। बी, बीज। तो करते हैं, तो ये हमने कर लिया। एप्पल का एप्पल, ब्रश का ब्रशेस, पोटैटो का पोटैटोज, वॉच का वॉचेस, टोमेटो का टोमेटो, सैंडविच का सैंडविचेस, पिक का पिक्स, फॉक्स का फॉक्सेस, बॉल का बॉल्स, एक्स का एक्सेस, हाउस का हाउसेस। एस लगाना है बस, बी का बीज। तो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद एम, इज और आर। तो यहाँ हम रिवाइज कर रहे हैं, रिविज़न हो रहा है, तो एक बार हम फिर से बता देते हैं कि आई के साथ जिस सेंटेंस में आई होगा, आई के साथ एम यूज होता है और एम किसी के साथ नहीं, आई के साथ सिर्फ एम यूज होता है। इज यूज होता है सिंगुलर वर्ड के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ या प्रोनाउन जो होता है सिंगुलर, तो उसमें यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन होगा तो इज यूज होता है और प्रोनाउन होता है ही, शी, इट। तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? उसमें हम यूज करते हैं इज। और आर यूज होता है प्लूरल, जो वर्ड प्लूरल होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, मेनी, उसमें हम आर यूज करते हैं। उनके अलावा हम दे, वी, यू, इन सब में यूज करते हैं आर। तो चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद एम, इज और आर। वी डैश वॉचिंग टेलीविजन। तो अभी मैंने बताया कि वी मतलब हम, मतलब एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो प्लूरल हुआ, वी के साथ क्या लगता है? आर। तो यहाँ पे हो जाएगा वी के साथ क्या हो जाएगा? वी के साथ हो जाएगा आर। वी आर वॉचिंग टेलीविजन। राज डैश अ स्ट्रॉन्ग बॉय। तो राज क्या है? एक सिंगुलर, सिंगल है ना, सिंगुलर नाउन है। तो राज इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। ही, शी, इट सबके साथ इज लगता है। इट इज 10 o'clock नाउ। शी इज अ डॉक्टर। कैट्स एंड डॉग्स डैश पेट एनिमल्स। तो कैट्स एंड डॉग्स, तो यहाँ प्लूरल है, मेनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा कैट्स एंड डॉग्स आर पेट एनिमल्स।
माई सिस्टर एंड आई एम इन द सेम क्लास. दे आर माई कजिन्स. देन ही इज और इज आवर गुड फ्रेंड. आई डैश इन ग्रेड वन. आई एम इन ग्रेड वन. देन रीड द सेंटेंसेस एंड सर्कल द नाउन. तो यहाँ पे हमें सेंटेंस को पढ़ना है और नाउन को सर्कल करना है. तो व्हाट आर नाउन्स और नेमिंग वर्ड्स. नाउन आर ऑल्सो नोन एज नेमिंग वर्ड्स. तो नेमिंग मतलब जो किसी का नाम हो. तो नाउन्स आर द वर्ड्स ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग. नाउन इज द नेमिंग वर्ड ऑफ प्लेस पर्सन एनिमल और थिंग्स. मतलब नाउन किसी भी व्यक्ति स्थान जानवर या चीजों का जो नाम हो गए वो क्या होते हैं नाउन. ठीक है. तो यहाँ पे राधा एंड सीमा आर डांसिंग. तो यहाँ पे नाम है. हाँ यहाँ पे नाम है राधा एंड सीमा. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे नेमिंग वर्ड्स. द मंकी इज ऑन द ट्री. तो एनिमल का नाम थिंग का नाम ये सब क्या होगा नाउन. तो यहाँ पे मंकी एनिमल है तो ये भी हो गया नाउन और ट्री ट्री भी हो गया नाउन. राज इज इन मुंबई. तो यहाँ पे नेम क्या क्या है. राज किसी पर्सन का नाम है और मुंबई प्लेस का नाम है. तो ये दोनों नाउन हुए. द ड्रेस इज रेड. तो ड्रेस क्या है यहाँ पे थिंग है. तो ये हो गई नाउन. द बुक इज ऑन द टेबल. तो बुक एक थिंग है और टेबल भी एक थिंग है. तो दोनों हो गए नाउन. द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली. द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली. तो रेड फोर्ट एक मॉन्यूमेंट का नाम है और एक चीज से आप और पहचान सकते हैं नाउन. जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे होते हैं तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये नाउन है. तो रेड फोर्ट एक मॉन्यूमेंट है प्लेस है. तो रेड फोर्ट जो है देखिए कैपिटल में लिखा है तो ये भी नाउन है और दिल्ली भी नाउन है. ये सब प्लेस के नाम हैं. द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू द पार्क. तो यहाँ पे चिल्ड्रेन और पार्क नाउन है. एक पर्सन और एक प्लेस कॉमन नाउन है और पार्क भी प्लेस में कॉमन नाउन है. रानी हैज अ पिंक फ्रॉक. तो रानी यहाँ पे नाउन है प्रॉपर और यहाँ पे फ्रॉक भी नाउन है. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो दिल्ली प्लेस का नाम है तो वो भी नाउन है और इंडिया भी नाउन है क्योंकि ये कंट्री का नाम है. क्रिकेट इज माय फेवरेट स्पोर्ट. तो क्रिकेट भी नाउन है और यहाँ पे स्पोर्ट भी नाउन है. माय फादर इज अ डॉक्टर. तो फादर भी नाउन है और डॉक्टर भी नाउन है. आई हैव टू लिटिल डॉल्स. तो आई हैव टू लिटिल डॉल्स. तो यहाँ पे जो डॉल्स है वो भी नाउन है. द लॉयन इज द किंग ऑफ द जंगल. तो यहाँ लॉयन किंग और जंगल. तो यहाँ पे एनिमल यहाँ पे हम पर्सन बोल सकते हैं और यहाँ पे जंगल प्लेस है. तो ये सब क्या है नाउन. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं जो कि है एक्शन वर्ड्स की. मतलब जिन्हें हम वर्ब्स करते हैं. तो वर्ड्स विच शो सम एक्शन आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट एक्शन वर्ड्स. तो यहाँ पे कुछ एक्शन वर्ड्स दिए हैं उनको ये फिल इन द ब्लैंक्स में हमें भरना है. जैसे रीडिंग राइटिंग वॉचिंग ईटिंग ब्रशिंग स्विंगिंग कुकिंग सिंगिंग एंड प्लेइंग. तो राशि इज डैश ऑन द स्विंग.
तो क्या होगा यहाँ पे, स्विंगिंग। साक्षी इज डैश एंड आइसक्रीम, तो क्या होगा, ईटिंग एंड आइसक्रीम। ही इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। मदर इज डैश फूड, मदर इज कुकिंग फूड। ही इज डैश इज टीथ ब्रशिंग हिज टीथ। द टीचर इज डैश ऑन द बोर्ड, द टीचर इज राइटिंग ऑन द बोर्ड। दे आर डैश टीवी, दे आर वॉचिंग टीवी। द सिंगर इज डैश अ सैड सॉन्ग, द सिंगर इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग। वी आर डैश टू द प्ले ग्राउंड आफ्टर स्कूल, वी आर गोइंग टू द प्ले ग्राउंड आफ्टर स्कूल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है, कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। जैसे राशि इज स्विंगिंग ऑन द स्विंग, साक्षी इज ईटिंग एन आइसक्रीम, ही इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, मदर इज कुकिंग फूड, ही इज ब्रशिंग हिज टीथ, द टीचर इज राइटिंग ऑन द बोर्ड, दे आर वॉचिंग टीवी, द सिंगर इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग, वी आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड आफ्टर स्कूल। तो यहाँ पर सारे जो वर्ड्स हैं उनमें कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, इसलिए उन्हें एक्शन वर्ड बोलते हैं। सो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है सर्कल द वर्ब्स। तो यहाँ पे जो भी एक्शन वर्ड है जिनमें कुछ काम हो रहा है उन वर्ड्स को हमें सर्कल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है वॉक। तो वॉक मतलब चलना। यहाँ पे काम हो रहा है, यस, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड है वॉक ये है वर्ब। देन किटन, नो, किटन इज अ वर्ब। से मतलब कहना, मतलब हम कुछ कह रहे हैं, मतलब काम हो रहा है। देन राइट्स, यस, राइट मतलब लिखना, तो ये भी एक काम है। पेपर, नो, पेपर इज अ नाउन। देन फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, मतलब ये एक्शन है। बुक, नो, बुक इज अ नाउन। ईट, यस, खाना, मतलब ये एक वर्क हो रहा है, एक्शन। वाटर, नो, पेन, नो। तो इतने ही एक्शन वर्ड्स थे। अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है गिव ऑपोजिट्स। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनके ऑपोजिट्स हमें लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं, हैप्पी का सैड, पुअर का रिच, अप का डाउन, ड्राई का वेट, हॉट का कोल्ड, डे का नाइट, फैट का थिन, ओल्ड का यंग और न्यू, न्यू का ओल्ड, बिग का स्मॉल, लॉन्ग का शॉर्ट, ब्लैक का वाइट। तो मैंने अपोजिट वर्ड लिख लिया है, हैप्पी का सैड, पुअर का रिच, अप का डाउन, ड्राई का वेट, हॉट का कोल्ड, डे का नाइट, फैट का थिन, ओल्ड का यंग और न्यू, न्यू का ओल्ड, बिग का स्मॉल, लॉन्ग का शॉर्ट एंड ब्लैक का वाइट। तो आज के हमारे इंग्लिश की वर्कशीट में बस इतना ही, बाकी के टॉपिक हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वर्कशीट में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।